जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। अभी सुबह के बजने 9:15 और हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। तो काफ़ी गर्मी है यहाँ पर, पसीने पसीने पड़ जाते हैं यूनिवर्सिटी के पहुँचते पहुँचते। आज अच्छा लगता है थर्सडे को कॉलेज जाना, क्योंकि 2 लेक्चर नहीं होते, 12:50 तक क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद 1 क्लास लगाने के लिए जाना पड़ता है 3:30 बजे। हम तब तक रूम आ जाते हैं। फ़िलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने ब्लॉक की ओर। चलिए, थके हारे पहुंच चुके हैं अपनी लैब में हम, और हमारा पहला काम होता है यहाँ पर आके एसी के आगे खड़े हो जाना। देखिए, और ये बाहर का नज़ारा है, और ये हमारी लैब का नज़ारा, और ये देखिए राहुल, राहुल राहुल हाय कीजिए, हेलो करो, हेलो। ओ यार, ये है हमारी लैब, देखिए कंप्यूटर्स ही कंप्यूटर्स। और अभी पसीना पड़ा बहुत ज़्यादा, सूख जाएगा, एसी की मज़े लेते हैं तब तक, और फिर क्लासेस हैं। ये लंच टाइम हो चुका है और आज हमारे साथ चले हैं राहुल। राहुल जा रहा है मेरे पीछे, कह रहा है कि मैगी खानी है। चलिए देखते हैं, कैटल में मैगी बनाएंगे। इंडक्शन तो फ़िलहाल लेके नहीं आए हैं, जब ले आएंगे तब बनाएंगे। फ़िलहाल आज मैगी खाने की आई है इस बंदे को, वो स्पेशल हमारे पीजी चले, नहीं तो वैसे हॉस्टल चले जाता था खाना खाने के लिए। फ़िलहाल हम चलते हैं आगे, और गर्मी काफ़ी है, हमें आना पड़ेगा कितने बजे, 3:30 पे हमारी क्लास है। बहुत दुख होता है इतने धूप में फिर से वापस आके, इस बार हम बैग नहीं लेके आएंगे भाई, आगे तो होगी धूप। चलिए अभी सीधा पीजी चलते हैं। देखिए, हमारे मित्र मैगी निकाल रहे हैं, और यहाँ पर हमने केटल में डाल दी है मैगी। स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं मैगी बना रहा हूँ केटल में। होप्स हो कि अच्छी बने और सब सही रहे, केटल को कोई नुकसान ना पहुँचे। चलिए अभी देखते हैं, 3 मैगी बनाई है, चौथी भी निकाल दी इस बंदे ने, 4 बना देंगे। और साथ में ये देखिए घी डाल दिया थोड़ा सा हमने स्वादानुसार, और ठीक है, 2 फायदे, एक तो टेस्ट आएगा और ऊपर से मैगी चिपकेगी नहीं। फिलहाल अभी चलिए बना लेते हैं, फिर दिखाएंगे कैसी बनी। ये हमारी मैगी बन चुकी है, देखने में इतनी अच्छी नहीं है। राहुल कैसी बनी है? बढ़िया, जोर से बोलो। एकदम घी का टेस्ट आ रहा था, घी का टेस्ट, घी डाला इसमें हमने। चलिए अभी हम खा लेते हैं इसे, और फिर ब्लॉग करेंगे कंटिन्यू बाद में। अभी हम जा रहे हैं वापस कॉलेज, और एक क्लास के लिए जाना पड़ रहा है। काफ़ी दुख होता है ऐसे, पूरा दिन कॉलेज में रहता है, लेकिन फिर से एक क्लास के लिए जाना पड़ता है वहाँ पे। और यहाँ पर देखिए आप, बाइक ही बाइकें खड़ी हुई हैं बच्चों की, बड़े तक बाइकें हैं, और पीछे भी बाइक्स हैं, ये पड़े 2 बंदे। चलिए अभी चलते हैं कॉलेज, फिर बाद में ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू। अभी हम जा रहे हैं पानी भरने के लिए, और यहाँ से आपको व्यू दिखाएंगे बाहर। ये देखिए बाहर का व्यू, और बसेस आप काउंट कर सकते हैं, ये सारी यूनिवर्सिटी की बसेस हैं, और यूनिवर्सिटी का कुछ हिस्सा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो जब से इस यूनिवर्सिटी में आए हैं पहली बार सुबह लिफ्ट में आए हैं हम गाइस। ये देखिए लिफ्ट ऑपरेटर, लिफ्ट और खुल जा शिनसिन। चलिए, अपने फ्लोर बिल्कुल आराम से पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं पूरी यूनिवर्सिटी छूट चुकी है इस वक्त, और बहुत बच्चे। ये तो फिर भी छोटी मोटी भीड़ है, लेकिन जहाँ से हम क्रॉस करके आते हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जनता होती है, बड़ी मुश्किल से आते हैं। फिलहाल अभी चलिए पसीने पड़ चुके हैं, तो मौसम आज बढ़िया हो रखा है। ये आप देख सकते हैं ऊपर बादल आ चुके हैं, आज बारिश पड़ने के चांसेस है, वेट कर रहे हैं हम। फिलहाल अभी चलते हैं। अभी शाम के बज रहे हैं 7:30, और मैं जा रहा हूँ डिनर करने के लिए, मेरा रूममेट चला गया घर, तो अभी देखते हैं आज क्या बना है डिनर में। साथ में है शिवांश, हालांकि ये अपने पीजी में ही डिनर करता है, तो इसके पीजी में थोड़ा सा लेट बनता है तो हमारे साथ आ जाता है। फिलहाल अभी चलिए चलते हैं अपने पास किचन नाम है उस शॉप का, वहाँ पर चलते हैं, फिर देखते हैं आज क्या बना है। ये लग चुकी है हमारी थाली, इसमें दाल है, आलू है, और प्याज, चपाती और पानी। हालांकि चावल भी मिलते हैं, लेकिन चावल खाने के लिए मैंने मना कर दिया, क्योंकि रात में चावल खाएंगे जाते और चपाती खाएंगे। फिलहाल अभी हम खा लेते हैं खाना, काफ़ी भूख लगी और टेस्टी भी लग रहा है, आपको बताएंगे बाद में कि कैसा बना था। अभी
मैं आ चुका हूँ खाना खा के, और खाना वाकई में बहुत टेस्टी बना था। 60 रुपीज़ में अनलिमिटेड होता है यार, और क्या चाहिए। काफ़ी मज़ा आया। आलू की सब्ज़ी मैं ऐसे खाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अभी हम घूम रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, सोच रहे हैं लस्सी पीने की। वैसे हम पीते नहीं हैं, लेकिन आज हम पी लेंगे, देखते हैं कैसे टेस्ट होता है। लस्सी पी के हम आ चुके हैं अपने रूम, और अभी तो मैं बाहर बैठा हूँ ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए काफ़ी यहाँ पर। और मैं वहाँ पर ब्लॉग बनाना भूल गया, सॉरी फॉर दैट, किसी और दिन बनाएंगे। लेकिन अभी समय आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।